हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन, क्योंकि बहुत सारी जॉब है। क्योंकि मैंने कुछ ऐसी वैकेंसीज है जिसके बारे में मैंने डिटेल पीडीएफ अपलोड किया है, बट किसी का नहीं किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारी SSC यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसमें जो पोस्ट है वो है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली फोर्स एंड सेंट्रल आर्म फोर्स, जिसे हम CAPF भी बोलते हैं। इसमें क्या नंबर ऑफ वैकेंसीज 1876 हैं। स्टार्टिंग डेट जो इसकी है 22 जुलाई से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है और लास्ट डेट 15 अगस्त है इंडिपेंडेंस डे तक। डेट फॉर करेक्शन 16-17 अगस्त। डेट फॉर एग्ज़ाम अक्टूबर में हो सकता है, जैसे ही आएगा मैं बता दूंगी आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। सैलरी का लेवल कितना रहेगा, तो सैलरी की बात करें तो सैलरी इसमें आपकी रहेगी 35,400 से लेकर 1,12,400 के बीच में। लेवल 6 पे आपकी सैलरी रहेगी। इसमें आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में हो चलेगी। एज लिमिट कितनी चाहिए, तो 20 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए इसके बीच में। ओबियसली एप्लीकेशन फ़ीस की क्या है, जनरल OBC कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये है और SC ST फीमेल और ESM कैंडिडेट्स के लिए कोई फ़ीस नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिज़िकल टेस्ट होगा। इसकी मैंने डिटेल वीडियो जो है कल ही अपने चैनल पर अपलोड की थी, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं चैनल पर जाके, जिसमें मैंने सब कुछ बताया है कि मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट किस तरीके का होगा, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एवरीथिंग उसमें बताया है। नेक्स्ट है हमारी एकलव्य मॉडल रेजिडेंट स्कूल। पोस्ट एडमिट TGT की और हॉस्टल वार्डन की है। नेक्स्ट इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज 6329 है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 18 अगस्त है। फीस की भी उतनी है। एग्जामिनेशन इसके बहुत जल्दी होंगे। और नेक्स्ट सैलरी कितनी है, तो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर TGT के लिए 44,900 से लेके 1,42,400 के बीच में है। अगर आप वार्डन के लिए करते हैं तो 29,200 से लेके 92,300 तक है। बैचलर इसमें मांगी गई है आपकी। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख लेते हैं मैक्सिमम क्या है, 35 एज लिमिट है। बट क्या है, आप TGT जब तक करेंगे, मतलब जब तक आप BEd वगैरह करेंगे, तो आपकी एज वैसी हो जाती है 20-25 के अराउंड। एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स के लिए 1,500 रुपये जो TGT के लिए अप्लाई करते हैं। अगर आप हॉस्टल वार्डन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी 1,000 रुपये लग जाएगी। और अगर आप वहीं आप SC ST PWD कैंडिडेट्स हैं तो कोई फ़ीस नहीं लगेगी। एकदम से 1,500 रुपये, एकदम से ज़ीरो, एकदम से 1,000 रुपये, एकदम से ज़ीरो, नाइंसाफ़ी है जनरल OBC कैंडिडेट्स के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम होता है जिसे आप क्लियर करना होगा। इसे ऑल इंडिया से सभी अप्लाई कर सकते हैं। और क्या है, इसकी भी डिटेल वीडियो अपलोड है मेरे चैनल पे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे इंडियन एयरफोर्स, इसकी वीडियो अपलोड नहीं है, सॉरी। पोस्ट क्या है इसमें, अग्निवीर आयुंट है ये, तो वो अभी फ़िलहाल में ही आया है। नंबर ऑफ वैकेंसीज़ क्या है इसमें, 3,000 से भी ज़्यादा वैकेंसी है। इसके बारे में सबको पता ही है क्योंकि जब ये वाला लागू हुआ था तो अपने आप में ही ट्रेंड में था। स्टार्टिंग डेट इसकी क्या है, 27 जुलाई इसकी स्टार्टिंग डेट है। लास्ट डेट इसकी 17 अगस्त है, तो यानी कि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। आज है हमारी 24 तारीख, तो ये 3 दिन बाद अपलोड हो जाएगा, तो इसकी एक डिटेल वीडियो आ जाएगी। लास्ट डेट इसकी फ़ीस पे करने की 17 अगस्त है। एग्ज़ाम इसका 13 अक्टूबर को होगा। फर्स्ट ईयर आपकी सैलरी 30,000 रहती है, सेकेंड ईयर 33,000 रहती है, थर्ड ईयर 36,500 रहती है, फोर्थ ईयर 40,000 रुपये आपकी सैलरी रहती है। फिर मतलब कि उनकी मर्जी होती है, अगर वो परमानेंट करना चाहे तो आपको परमानेंट कर सकते हैं, और या फिर मतलब आपको रिटायर कर दिया जाता है। और फिर ये तो पैसे मतलब आते ही आते हैं साथ में, मतलब कि निधि करके कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा, मतलब उसमें आपको 10 लाख के अराउंड मिलता है आपको जब मतलब रिटायर्ड आप होते हैं, तो मुझे कंफर्म याद नहीं है। एज लिमिट क्या है, 17.5 से 21 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फ़ीस इसकी 250 रुपये, बट जब पहली टाइम ये आया था तब इसकी 1 भी रुपये फ़ीस नहीं थी, नो फीस, कोई फ़ीस नहीं था, पर इस बार इन्होंने 250 रुपये रखा है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारी पोस्ट इसका जो सिलेक्शन होगा, रिटर्न टेस्ट होगा, फिज़िकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, फिर शॉर्ट लिस्ट होंगे, फिर आपको बुलाया जाएगा। इसमें ट्रेनिंग भी दी जाती है। नेक्स्ट है हमें डायरेक्टरेट ऑफ म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की है पोस्ट। इसमें टैक्स असिस्टेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, फायर ऑफिसर, टेनिस सैनिटाइजेशन इंस्पेक्टर, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियर, सीवरेज एंड सैनिटेशन इंजीनियर, अकाउंटेंट, ऑडिटर। इसकी डिटेल वीडियो अपलोड नहीं है। अगर आपको किसी की भी डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, या फिर किसी का भी PDF चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसी 1782, स्टार्टिंग डेट जो है इसकी 13 जुलाई से स्टार्ट है, लास्ट डेट 20 अगस्त है। अभी अच्छा खासा टाइम है। सैलरी का लेवल आपको PDF में पता लगेगा।
नेक्स्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, इसमें आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो, ग्रेजुएशन जो है आपकी इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो वो भी इंजीनियरिंग में होना चाहिए। एज लिमिट इसमें 18 साल है और मैक्सिमम इन्होंने अभी सेट नहीं की है। एप्लीकेशन फ़ीस आपको PDF में पता लगेगा, तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर CBT बेस्ड टेस्ट होगा, अप्लाई ऑनलाइन ही होगा। मोस्ट ऑफ द वैकेंसीज जो आजकल हैं वो ऑनलाइन ही अपलोड होती है। नेक्स्ट यहाँ पे राजस्थान की तरफ से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इसकी डिटेल वीडियो अपलोड है चैनल पे। एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, नंबर ऑफ पोस्ट 430 है, लास्ट डेट जो है 13 अगस्त है, और एग्ज़ाम इसके आपकी 21 तारीख होंगी। सैलरी का लेवल लेवल 5 पे होगा। नेक्स्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, 12th आपकी कंप्लीट होनी चाहिए एग्रीकल्चर स्ट्रीम में, या फिर आपकी BSc होनी चाहिए एग्रीकल्चर में हो, या फिर BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर में घुमा फिरा के आपका काम होना चाहिए। एज लिमिट क्या है, 18 से 40 साल होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस, पेज बड़ा हो गया, लेट्स गेट स्मॉल इट राइट। जनरल OBC कैंडिडेट्स और EBC क्रीमी लेयर, एक होता है नॉन क्रीमी लेयर, एक होता है क्रीमी लेयर। तो जो क्रीमी लेयर में उनकी 600 रुपये, और जो नॉन क्रीमी लेयर है वो राजस्थान के हैं तो उनकी, और वो दिव्यांग यानी कि PWD कैंडिडेट्स हैं और SC ST से बिलोंग करते हैं तो उनकी 400 रुपये रहेगी। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर, रिटर्न एग्ज़ाम होगा। कहाँ चला गया, गड़बड़ी होती है मेरी वीडियो में, गड़बड़ी होती है। रिटर्न एग्ज़ाम आपका इसमें होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारी बिहार की तरफ से, बिहार पुलिस सर्विस कमीशन BPSC लोक सेवा आयोग। इसमें क्या है पोस्ट, इसमें इसकी भी डिटेल वीडियो शायद अपलोड है, डिटेल वीडियो अपलोड है इसकी। इसमें क्या है, डिस्ट्रिक्ट कमांडर की है जो होम डिपार्टमेंट में होगा, फिर कमर्शियल डिपार्टमेंट में है, इलेक्शन डिपार्टमेंट में है, इलेक्शन डिपार्टमेंट में सबसे मस्त है, फिर क्या है शुगर कैन इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, फिर एक्साइज एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में है, और फिर लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट में, ये भी अच्छा है। तो इसमें तो बहुत सारी है मम्मी, इसमें तो बहुत सारी है, आप पढ़ सकते हैं उस हिसाब से। नेक्स्ट यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी 346 है, बट जो इसकी लास्ट डेट है बहुत ही कम है, क्योंकि लास्ट टाइम में क्या होता है ना, सर्वर भी डाउन चलता है, और लेवल 7 पे भी सैलरी है, लेवल 9 पे भी सैलरी है, कुछ पोस्ट के लिए 7 पे है, जैसे कि वो आपको PDF में पता लगेगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे एज लिमिट के लिए, अगर आप मिनिमम की बात करें तो 20 21 22 कुछ पोस्ट के लिए 20 है, कुछ पोस्ट के लिए 21 है, कुछ पोस्ट के लिए 22 है। मैक्सिमम की बात करें तो 37 जो है मेल के लिए है और 40 जो है फीमेल के, फीमेल को ज़्यादा टाइम मिल जाता है। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहेगी, अगर आप जनरल कैंडिडेट्स हैं, BC हैं, EBC हैं, EWS है और अदर स्टेट से करते हैं, जैसे कि आप बिहार के ना होके UP के हैं और आप SC ST कैंडिडेट्स हैं ऐसे, तो फिर भी आपको जनरल कैटेगरी में ही फॉर्म भरना है और आपकी 600 रुपये ही लगेंगे, और साथ के साथ मतलब आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा। पर क्या है, अगर जनरल कैंडिडेट्स होते हैं उनके कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है, अनरिजर्व्ड और जनरल वालों को कास्ट सर्टिफिकेट बनते ही नहीं है, मैं कुछ जनरल से हूँ। SC ST फीमेल कैंडिडेट्स के 150 रुपये लगेंगे। नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा आपका, तो इसमें प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, पूरा UPSC के तरीके से ही लेंगे। फिर है नॉर्थन कोलफील्ड लिमिटेड NCL, इसमें क्या है ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग, टेक्निकल अप्रेंटिस ट्रेनिंग। नंबर ऑफ वैकेंसी 700 है, इम्पॉर्टेंट डेट्स 3 अगस्त है, तो जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिएगा, लास्ट टाइम में सर्वर डाउन चलता है। इसमें क्या है सैलरी कुछ खास नहीं है, कुछ खास तो नहीं है, पर क्या बाद में बढ़ जाए, ग्रेजुएशन जो करके जाता है, पर ग्रेजुएशन करके 9000, जो ग्रेजुएशन करके जाएंगे इसके लिए 9000, जो टेक्निकल अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए करेंगे उनके 8000। एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिग्री डिप्लोमा इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग के आजकल ज़्यादा वो है मतलब वैल्यू। एज लिमिट क्या है 18 to 26 होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लग रही है। सिलेक्शन प्रोसीजर में पेपर का कोई दिक्कत ही नहीं है, परसेंटेज अच्छी होगी तो लेंगे, नहीं होगी तो नहीं लेंगे, सारा परसेंटेज का खेल है इस वाले में। फिर है रेलवे रिक्वायरमेंट सैलरी, इसकी डिटेल वीडियो अपलोड है, अप्रेंटिस की है, और इसमें नेक्स्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है 1104 यानी 1104 है, लास्ट डेट 2 अगस्त है, तो जल्द से जल्द अप्लाई कर लो। 24/7/2009 दिन बचे हैं बस, सॉरी एक कॉल आ गई थी, लास्ट डेट जो है वो 2 अगस्त है इसकी अप्लाई करने की। नंबर ऑफ वैकेंसीज बता दी थी मैंने, बता दी थी।
अब नेक्स्ट इसमें सैलरी कितनी रहेगी, अप्रेंटिस रूल्स के अकॉर्डिंग रहेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कैसे है, आपकी 10th होनी चाहिए विद आपको ITI भी चाहिए, NCVT और SVCT अप्रूव। एज लिमिट क्या है, 15 से 24 साल। 15 साल वाली वैकेंसी जो है ना कम दिखती है, मतलब तो कम दिखती है। एप्लीकेशन फ़ीस रेलवे की वैकेंसी में तो मोस्ट ऑफ द टाइम 100 रुपये रहती है, बाकी अदर के लिए नो फीस रहती है। सिलेक्शन प्रोसीजर, यस एग्ज़ाम का लफड़ा ही नहीं, कर दो फिर इसके लिए अप्लाई। एक और रेलवे की, इसकी भी वीडियो अपलोड है, इसकी वीडियो डिटेल वीडियो अपलोड है। इसमें क्या है, पोस्ट अप्रेंटिस की है, साउथर्न ईस्टर्न रेलवे की वैकेंसी है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, 2 अगस्त है, सेम 10th विथ ITI चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर, नो एग्ज़ाम। फिर हमारी यहाँ UP की वैकेंसी है, हमारी UP उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यानी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ऑडिटर और असिस्टेंट अकाउंटेंट की। इसमें क्या है, आपकी पोस्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 1 अगस्त क्या है, इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की, यानी क्या 24 हो गई, 24 सात दिन रह गए हैं। लास्ट फीस जो है ये करेक्शन करने का मौका आपको दिया जाएगा, कुछ गड़बड़ कर दी है तो टेंशन मत लेना। सैलरी की बात करें तो ऑडिटर के लिए क्या 29,200 से लेके 92,300 रुपये रहेगी। असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए 5,200 से लेके 20,200 रुपये के बीच में रहेगी। अगर आपको PDF चाहिए तो मुझसे 10 दिन के अंदर अंदर मांगना, 10 दिन के बाद नहीं मांगना, फिर मैं डिलीट कर देती हूँ। एप्लीकेशन फ़ीस 25 रुपये। कौन सी है, उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन। सैलरी कितनी है, 29,200, सही है, इसके लिए तो अप्लाई कर दो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ये मुझे ही देख, मैं ही ना बोलती मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन कहाँ गई, इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कहाँ गई, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कहाँ गई इसमें। ओ तेरी, मुझे इसका पता करना है। अगर आपको भी इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मेरी इसकी डिटेल वीडियो अपलोड है, मैं अभी पहले देख लेती हूँ फिर आप लोग भी देख लेना, ठीक है। इसकी डिटेल वीडियो अपलोड कर रखी है मैंने अपने चैनल पे। बढ़िया है यार, बहुत बढ़िया है। फिर क्या है, इसमें पेमेंट मोड क्या है, ऑनलाइन ही करेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर, रिटर्न बेस्ड एग्ज़ाम होगा, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस उत्तर प्रदेश, ये भी उत्तर प्रदेश में ANM और GNM वालों के लिए है। हम ये नेक्स्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज, अगर आप ANM के लिए अप्लाई करते हैं तो 1800 है, GNM के लिए अप्लाई करते हैं तो 453 है। लास्ट डेट 31 जुलाई है, तो फटाफट कर देना क्योंकि लास्ट टाइम इसका आने ही वाला है, तो 5-6 दिन ही रह गए हैं आपके पास। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें 12th पास ही है, GNM का रखा तो GNM का सर्टिफिकेट, ANM का रखा तो ANM का सर्टिफिकेट। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो ठीक ही है, जनरल कैटेगरीज वालों के लिए 200 रुपये है, SC ST OBC वालों के लिए 100 रुपये। अच्छे कितने लोग जनरल कैंडिडेट्स हैं कमेंट बॉक्स में बताना। सिलेक्शन प्रोसीजर मेरिट बेस है, कोई एग्ज़ाम ही नहीं है। सही है, बिल्कुल सही है। बस 43 ही पेज थे, कितने मिनट की वीडियो बनी, 13 मिनट बाद कोई देखेगा। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई है, वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और आपको किसी भी वैकेंसीज के बारे में डिटेल में जानना है या फिर आप मेरे चैनल पर विजिट करके, इनमें से बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज है जिनकी मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है, या तो आपको चैनल पर विजिट करके मिल जाएगी, या तो मैं कोशिश करूँगी अगर मैं आई बटन पर लगा सकूँ तो मैं आई बटन पर भी लगा दूँगी। आई बटन पे लगाने में ना बहुत टाइम लगता है, तो इस वजह से मैं आई बटन पे कोई भी वीडियो नहीं लगाती हूँ, पर आज मैं लगा दूँगी क्योंकि मैंने UPSC का तो लगा ही दूँगी, उसका तो लगा ही दूँगी, बाकी का मैं देखूँगी अगर लग जाए तो, ठीक है। ओके, बाय, थैंक यू, सी यू।